सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो। यदि गाइस आप अभी अभी अपने चैनल को स्टार्ट किए हो और आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी को भी पता ना चल सके कि आपका सब्सक्राइबर्स कितना है, तो कैसे गाइज आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो। काफ़ी इजी है गाइज, मोबाइल से यदि आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हो तो काफ़ी इजी है। काफ़ी इजीली से आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो। इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी यूट्यूब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले गाइस दिखा देता हूँ यहाँ पर, मैं अपने चैनल को यहाँ पर देख सकते हो। मेरा यहाँ पर अभी जो सब्सक्राइबर्स है ये अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे कैसे हाइड करना है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स ना दिखे, तो कैसे गाइस उसे फ़ोन से हाइड करना है। काफ़ी इजी है गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में एक आइकन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, आपको डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर राइट हैंड साइड में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो डेस्कटॉप साइट के साइड में यहाँ पर एक नीला कलर का टिक लग गया है, तो आपको इस तरह का एक टिक लगाना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर YouTube के ऊपर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर यदि YouTube का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको YouTube.com सर्च करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर YouTube.com को सर्च कर लेता हूँ। इस तरह से आपको सिंपली से YouTube.com को सर्च करना है और यहाँ पर YouTube.com ये डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर में लैपटॉप में ओपन होता है उसी तरह से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यदि आपका चैनल यहाँ पर लॉगिन नहीं है तो उसे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपका चैनल देखने को मिलेगा राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर में। तो गाइज ये जूम नहीं हो रहा है, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको अपने चैनल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको योर चैनल के ऊपर क्लिक करना है। योर चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप मोड में। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कस्टमाइज चैनल, आपको कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये यूट्यूब स्टूडियो में ओपन हो जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो का जो ऐप है उसमें ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप मोड में, ये ओपन होगा यूट्यूब स्टूडियो के ऐप में। तो थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। सो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जूम करना है, नीचे आपको आना है, जूम 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 करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर एक छोटा सा आपको सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको इस सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चैनल का ऑप्शन, आपको चैनल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इन्फो के साइड में आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडवांस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यदि आप इसे हाइड करना चाहते हो, अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड करना चाहते हो, तो आपको इसे अनटिक कर देना है। यहाँ पर यह पहले से ही टिक किया हुआ रहेगा, आपको इसे अनटिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद चलिए मैं चेक करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हाइड हुआ है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हाइड हो चुका है। इसी प्रकार से आप भी अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को काफ़ी इजीली से हाइड कर सकते हो। और दोबारा से यदि आप अनहाइड करना चाहते हो तो दोबारा से आपको वहीं पर यूट्यूब स्टूडियो में आना है क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद आपको सबसे नीचे सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद चैनल के ऊपर क्लिक करना है। चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिक इंफो के साइड में एडवांस सेटिंग्स, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब्सक्राइबर्स काउंट, आपको इसे टिक लगा देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। टिक लगा के सेव करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल में जितना भी सब्सक्राइबर्स है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर
सब्सक्राइबर्स शो होना स्टार्ट हो चुका है। इसी प्रकार से गाइस आप भी अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी जान सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।